अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नजीब अमीद और आप देख रहे हैं एएच मैथ एकेडमी। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एफएससी पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 और उसके कुछ हमारे लास्ट क्वेश्चंस रहते थे, तो आज के लेक्चर में हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए बिला तखीर अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7, उसके कुछ पॉइंट्स हम सॉल्व करेंगे और हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, शो दैट फॉर ऑल z belong to complex number, हमने कोई एलिमेंट लेने हैं, कैसे होने चाहिए? कम्प्लेक्स नंबर के होने चाहिए। किस तरह के? z bar square plus z bar square is a real number, के किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वेयर और उसमें प्लस कर दें उसके कंजुगेट का स्क्वेयर, तो जो रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, ना कि इमेजिनरी नंबर। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को जो है प्रूफ करते हैं। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, चूँकि जेड हमारे पास जो है वो बिलोंग कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर से, तो हम लिख लेते हैं लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो जेड बार किसके बराबर होगा? जेड बार होगा हमारे पास ए माइनस बी आयोटा। तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब जेड स्क्वायर है तो जेड की वैल्यू लिख देते हैं ए प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर प्लस z बार की वैल्यू क्या है हमारे पास? a माइनस बी आयोटा होल का स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी आयोटा इसका स्क्वायर प्लस 2। पहला एलिमेंट a आ रहा है हमारे पास और दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है? b आयोटा। इसमें ऐड कर देते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी आयोटा स्क्वायर माइनस 2। पहला एलिमेंट क्या आ रहा है? ए। दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है? बी आयोटा। चलिए इसे मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर सेपरेट सेपरेट ले लेंगे प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्टूडेंट क्या आएगा हमारे पास? 2a प्लस 2ab आयोटा प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा? 2ab आयोटा। अब दोनों को ऐड करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स ए स्क्वायर, और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर कितने के बराबर होता है? माइनस 1 के, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट्स में जितने भी साइन है वो एज इट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, तो हम लिख देते हैं ए स्क्वायर। ये भी यहाँ भी देखें स्टूडेंट क्या आ रहा है हमारे पास? आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस का बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। अब स्टूडेंट ये प्लस का और ये माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? माइनस का 2b स्क्वायर विच इज रियल नंबर, और यही हमें प्रूफ करना था। हमारे पास देखें स्टूडेंट यहाँ पर रिजल्ट में क्या आया? जस्ट रियल पार्ट आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, तो हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाता है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर इज अ रियल नंबर। तो चलिए आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट है हमारे पास, ऑलमोस्ट 8 पार्ट हैं उसके, तो चलिए आइए उसमें से चंद एक पार्ट जो हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला पार्ट है हमारे पास वो है हमारे पास माइनस 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा होल की पावर 3। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने जस्ट क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ सिंप्लीफाई। जस्ट क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए ये हमारे पास मुकाब आ रहा है, तो या तो आप इसका क्यूब का फार्मूला ओपन डायरेक्टली कर लें, या इससे थोड़ा सा आप इजी करना चाहते हो तो आप इसे यूँ लिख लें माइनस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा इसका स्क्वायर, और साथ लिख लें माइनस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा। एक बार पावर हमने 2 ले ली और एक बार 1 ले ली, बेस एक जैसी हो जाए तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो चलिए इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो क्या आएगा स्टूडेंट? माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 आयोटा इसका स्क्वायर प्लस 2। पहला एलिमेंट है हमारे पास माइनस 1/2 और दूसरा एलिमेंट है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा, और
ये वाली टर्म एज इट आ जाएगी, माइनस वन बाय टू प्लस स्क्वेयर रूट थ्री ओवर टू आयोटा। इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, हमारे पास फोर आएगा। यहाँ देखें स्टूडेंट, स्क्वेयर रूट थ्री का स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, थ्री। टू का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर। और आयोटा का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का वन। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास। जस्ट आयोटा स्क्वेयर माइनस वन के बराबर होगा तो ये प्लस वाले से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इस टू से ये टू हमारे पास क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का स्क्वेयर रूट थ्री ओवर टू आयोटा इंटू यहाँ हमारे पास आ जाएगा वन बाय टू प्लस स्क्वेयर रूट थ्री ओवर टू आयोटा। अब इनको अगर सॉल्व करें फोर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बाकी बचेगा वन माइनस थ्री माइनस स्क्वेयर रूट थ्री ओवर टू आयोटा, यहाँ आ जाएगा माइनस वन बाय टू प्लस स्क्वेयर रूट थ्री ओवर टू आयोटा। यहाँ बचेगा स्टूडेंट हमारे पास वन माइनस थ्री माइनस टू बच जाएगा, माइनस टू को जब फोर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर टू माइनस स्क्वेयर रूट थ्री ओवर टू आयोटा। और यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, वन बाय टू प्लस स्क्वेयर रूट थ्री ओवर टू आयोटा, ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट दोनों टर्म सेम आ रही हैं, इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, इसकी दूसरी टर्म, इसकी दूसरी टर्म सेम है। जस्ट फर्क क्या है, एक में माइनस एक में प्लस। तो सिमिलरली हम एक फार्मूला यूज करते हैं, पहले टर्म का स्क्वेयर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर आपने ओपन कर लेना है, मैं इसे यहाँ पर लिखने लगा हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा वन बाय फोर, इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे, माइनस स्क्वेयर रूट थ्री का स्क्वेयर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री। टू का स्क्वेयर लेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, फोर। और आयोटा का स्क्वेयर लेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन। ये वाला माइनस जब बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस आ जाएगा। फोर इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपके पास बचेगा वन प्लस थ्री विच इज इक्वल टू फोर ओवर फोर एंड दैट इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हायर पावर वाले अगर आ जाते हैं तो आप उसकी पावर एक्सपेंड करके भी उसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर उसी पावर का आपके पास कोई फार्मूला है कोई, तो आप उस फार्मूले को डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर फोर है हमारे पास, इसका पॉइंट नंबर फोर हल करने लगा हूँ, वो है हमारे पास ए प्लस बी आयोटा होल का स्क्वेयर। इसके जो सेकेंड और थर्ड पार्ट हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं, फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड हैं। तो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सही तरह से अगर फॉलो अंडरस्टैंड कर लिया तो उसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्वेयर ओपन करते हैं। स्क्वेयर ओपन करना तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से आता होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी आयोटा स्क्वेयर प्लस टू ए इंटू बी आयोटा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर प्लस टू ए बी आयोटा। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और आयोटा स्क्वेयर कितने के बराबर होता है स्टूडेंट, माइनस वन के प्लस का टू ए बी आयोटा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वेयर और प्लस का टू ए बी आयोटा। ये स्टूडेंट आपके पास उसका सोल्यूशन आ चुका है। काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, जस्ट स्क्वेयर ही एक्सपेंड करना था। तो इसका जो है सिक्स पार्ट, पार्ट सिक्स, वो है हमारे पास ए प्लस बी आयोटा होल की पावर थ्री। तो स्टूडेंट फिर से पावर थ्री आ रही है, तो आप थ्री को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एक बार टू में लिख लें, एक बार वन में लिख लें, और डायरेक्टली फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व करूंगा, क्योंकि जो पावर एक्सपेंड वाला था वो हम प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार कर चुके हैं। तो ज़रा डिफरेंट मेथड्स इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी की पावर थ्री। तो स्टूडेंट ये फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ये हमारे पास ए प्लस बी आयोटा होल की पावर थ्री, ए थ्री है तो पहला एलिमेंट हमारे पास ए ही आ रहा है, ए रेज की पावर थ्री प्लस
थ्री ए, बी हमारे पास क्या आ रहा है बी आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा प्लस बी आयोटा होल की पावर थ्री। जस्ट फार्मूले के हिसाब से हमने क्या कर दिया, उसे एक्सपेंड कर दिया है। तो नाउ हमारे पास क्या आएगा, ए रेज की पावर थ्री प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, थ्री ए बी आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा प्लस इसे लिख लेते हैं बी पावर थ्री और आयोटा की पावर भी थ्री। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया ए रेज की पावर थ्री प्लस अब इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह जगह थ्री ए स्क्वेयर बी आयोटा प्लस इस टर्म को जब बी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री ए बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, बी बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वेयर, आई आई से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा प्लस इसे लिख लेते हैं बी क्यूब और आयोटा थ्री को लिख लेते हैं आयोटा स्क्वेयर डॉट आयोटा, क्योंकि हमें आयोटा क्यूब की वैल्यू नहीं पता लेकिन आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है कि वो कितनी होती है माइनस वन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर माइनस वन के बराबर होता है। तो यहाँ स्टूडेंट आप अगर आप लिख लें माइनस थ्री ए बी स्क्वेयर और यहाँ भी क्या आएगा आयोटा स्क्वेयर माइनस वन के बराबर, तो जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा स्टूडेंट, बी की पावर थ्री आयोटा। अब ऐसा कर लें ए की पावर थ्री और ये हमारे पास आयोटा के बगैर आ रहा है थ्री ए बी स्क्वेयर, आयोटा के बगैर वाले सेपरेट कर दिए। अब इनमें से अगर आयोटा आप कॉमन लेना चाहें तो आयोटा आप इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा, थ्री ए स्क्वेयर बी और यहाँ बचेगा आपके पास माइनस बी रेज की पावर थ्री। तो स्टूडेंट ये उसकी एक सिंपलीफाई फॉर्म आ चुकी है। इसी का एक और स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद अपना जो है ना एक्सरसाइज एंड करते हैं। इसका पार्ट एट, पार्ट नंबर एट, तो पार्ट नंबर एट है हमारे पास स्टूडेंट थ्री माइनस स्क्वेयर रूट माइनस फोर होल की पावर माइनस थ्री, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए पावर तो क्यूब में है लेकिन माइनस भी साथ आ रहा है, तो ऐसा करते हैं जब भी पावर माइनस हो तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, उस पावर को पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है। तो उसे पॉजिटिव कैसे करते हैं, ऐसा करते हैं उसे डिनोमिनेटर में ले आते हैं यानी कि बट्टे में ले आते हैं, माइनस फोर होल रेज की पावर थ्री। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं वन ओवर थ्री माइनस टू आयोटा। अब इसको मैंने टू आयोटा कैसे लिखा, मैं ये जरा रफ भी कर लेता हूँ, ये माइनस फोर है तो इसे मैंने लिख लिया माइनस वन मल्टीप्लाई फोर, फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है टू, तो ब्रैकेट स्क्वायर में कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में माइनस वन और स्क्वायर रूट माइनस वन ये बराबर होता है आयोटा के। तो स्टूडेंट ये कितने के बराबर आ जाएगा, टू आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो आप इसे जो है ना आयोटा की फॉर्म में ही लिख लें, ये क्या आ जाएगा होल की पावर थ्री। अभी हमने इसका क्यूब ओपन किया था तो इस क्यूब से आपने क्या करना है, अगेन इसको जो है सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए की पावर थ्री या यू लिख लें आप इसे थ्री माइनस टू आयोटा इसका स्क्वायर डॉट वन ओवर थ्री माइनस टू आयोटा, एक बार स्क्वायर में लिख लिया और एक बार सिंगल पावर में लिख लिया। तो हमने दोनों मेथड से क्वेश्चन को हल किया है कि होल का क्यूब कैसे ओपन करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अगर होल क्यूब बिलफर्ज आपको उस वक्त अंडरस्टूड नहीं है तो आपने क्या करना है, एक स्क्वायर में लिख लेना है और एक इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ ये स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ भी ये डिनोमिनेटर में ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, थ्री स्क्वायर प्लस टू आयोटा स्क्वायर माइनस टू, पहला एलिमेंट थ्री है दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है टू आयोटा डॉट, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको एज इट रहने दें अभी। चलिए इसका स्क्वायर ओपन करते हैं वन ओवर नाइन आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर होता है तो ये आ जाएगा माइनस का फोर और इनको मल्टीप्लाई करेंगे टू थ्री या सिक्स, सिक्स मल्टीप्लाई टू ट्वेल्व, तो ये आ जाएगा माइनस का ट्वेल्व आयोटा डॉट वन ओवर थ्री माइनस टू आयोटा। ये स्टूडेंट इसको थोड़ा सा मजीद हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइव माइनस ट्वेल्व आयोटा डॉट वन ओवर थ्री माइनस टू आयोटा। चलिए इसे अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसकी डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से भी डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग का मेथड यूज़ करेंगे यानी इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। कैसे,
ऐसे यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो ये आ रहा है हमारे पास 1/5 माइनस 12 iota, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 + 12 iota / 5 + 12 iota डॉट, इसके साथ भी वही प्रोसेस 3 - 2 iota मल्टीप्लाई 3 + 2 iota / 3 + 2 iota। तो स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर को नोमिनेटर से, यह आ जाएगा 5 + 12 iota। अब यहाँ देखें दोनों टर्म सेम आ रही हैं, जस्ट एक में क्या है प्लस एक में माइनस, तो आप इसे सिंपली ये लिख लें 5² - 12 iota² डॉट नोमिनेटर को नोमिनेटर से 3 + 2 iota और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 3² - 2 iota² तो यह आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 5 + 12 iota / 25 माइनस 12 iota² है तो माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, प्लस का 144 डॉट 3 + 2 iota / 9। ये भी स्टूडेंट क्या आएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 4। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया 5 + 12 iota / 169 डॉट 3 + 2 iota / क्या आ जाएगा आपके पास 13 आ जाएगा। तो अब क्या करने, सिंपली आपने यहाँ देखें डिनोमिनेटर से आयोटा हमने रिमूव कर दिया, तो अब क्या करते हैं नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15, 5 को 2 iota से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 iota, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36 iota, 12 iota 2 iota से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 24 iota². अब डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, मैं से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 9 27 3 6 18 90 20 2 carry आ जाएगा 3 1 3 9 2 5 ये आ जाएगा 9 6 और 1 7 9 1 2 ये स्टूडेंट आप तो आपके पास आएगा 21 97। चलिए आगे हल करते हैं, ये 15 है 15 10 iota + 36 iota तो यह आ जाएगा प्लस का 46 iota, आयोटा स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर होता है तो यह आ जाएगा माइनस का 24 over 2197। 15 - 24 करेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा माइनस का 9 + 46 iota / 2197। अब रियल पार्ट अलग लिख लेते हैं 2197 और प्लस का इमेजिनरी पार्ट अलग लिख लेंगे 46 over 2197 iota। स्टूडेंट आपकी 1.3 जो ख़त्म हो चुकी है, आई होप कि आपके क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।